गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों जो है एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों में, मीन्स आपस में। जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। तो इस तरह से आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो वी विल डू नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, एच एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने आपको एज ए होमवर्क आपको जो है एच एक्सरसाइज दी थी, आपने कर ली होगी। अगर आपने की है तो आप मेरे साथ मैच करोगे। जैसे फर्स्ट है, सर्कल द सब्जेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब इन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस चूज फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ जो बॉक्स में वर्ब दी हुई है तो ये टू टू सेंटेंसेस दिए, उनमें से एक में, जैसे कि दोनों में से किस में कौन सी वर्ब आएगी ये हमें चूज करके इसमें राइट ऑप्शन फिल करना है। जैसे फर्स्ट है, सिंगुलर है दिस पप्पी, तो यहाँ दिस पप्पी, पप्पी सिंगुलर दिया हुआ है, डैश माइन, तो इज आ जाएगा, जैसे इज माइन। सेकेंड, दीज डॉल्फिन्स, दीज डॉल्फिन मीन्स जो फिश के टाइप है डॉल्फिन, वो जो है उसकी बात कर रहे हैं, डैश वेरी फ्रेंडली। तो डॉल्फिन जो है हमारे पास सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी आर। नेक्स्ट है जैसे कि वी डैश गोइंग टू द म्यूजियम टुमारो, वी डैश गोइंग टू द म्यूजियम टुमारो। वी क्या है, प्लूरल है, हमारे पास वर्ब है एम और आर, तो एम और आर टू वर्ब्स में से आर प्लूरल है, और आई का फिक्स है ही, पता ही है कि आई के साथ एम यूज होता ही है, आई के साथ और कोई भी जो है, जैसे इज एम आर, तीनों में से बात कर रही हूं मैं, इज एम आर, इन तीनों की बात कर रही हूं, तो इन तीनों में आई जो है आई के साथ एम यूज होता है, आर प्लूरल है, और एस इज जो है सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ तीनों में से अब आपको पता है इज एम आर, इज एम आर में आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। तो अब आपको कन्फर्म ही हो गया है कि जैसे वी आर गोइंग टू द म्यूजियम टुमारो, आई के साथ एम, आई एम गोइंग टू माई न्यू स्कूल इन अप्रैल। सेकेंड, थर्ड है द हेयर रन्स अ हेयर डैश फास्टर देन द टॉर्टोइज, द हेयर डैश फास्टर देन द टॉर्टोइज, वी हैव टू डैश टू कैच द ट्रेन और वी विल मिस इट। तो रन्स और रन, द हेयर सिंगुलर है, द हेयर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, कैसे जैसे होती है, जैसे वी वन के साथ जैसे हम एस और एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर जो है सिंगुलर वर्ब कहलाती है, ठीक है। तो रन के साथ एस ऐड हो जाएगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी, द हेयर रन्स फास्टर देन द टॉर्टोइज। नेक्स्ट है वी हैव टू, तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब रन जो है प्लूरल वर्ब है, तो वी हैव टू रन टू कैच द ट्रेन और वी विल मिस इट। फोर्थ है अ स्वार्म ऑफ बीज डैश होवरिंग ओवर द फ्लावर्स, होवरिंग मीन्स उसके ऊपर एक पूरा जो है अब स्वार्म ऑफ बीज, क्या होता है स्वार्म ऑफ बीज, मतलब मधुमक्खियों का एक झुंड जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो सिंगुलर वर्ब वॉज और वर दिया हुआ है, तो सिंगुलर कौन सी है, वॉज, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वॉज होवरिंग ओवर द फ्लावर्स के ऊपर मंडरा रहे हैं। सम वेल्स यहाँ सम वेल्स क्या है, प्लूरल है, तो हमारे पास प्लूरल वर्ब क्या है, वर, सम वेल्स वर साइटेड ऑफ द सी कोस्ट, जो सी समुद्र का जो किनारा होता है उसके ऊपर उनको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है द फुटबॉल टीम
द फुटबॉल टीम, हम किसकी बात कर रहे हैं, फुटबॉल टीम की बात कर रहे हैं, तो फुटबॉल टीम कोलेक्टिव नाउन है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिस टू दी हुई है, तो जिसके साथ एस और ईएस ऐड हुआ है। प्रैक्टिसेस एवरी डे एट द नेशनल स्टेडियम। फिफ्थ है द टीम मेंबर्स, प्रैक्टिस टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स यानी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस हमारे पास सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, टिल लेट एट नाइट। नेक्स्ट है सिक्स्थ, हेयर डैश द ब्राइड एंड ग्रूम, हेयर डैश द ब्राइड एंड ग्रूम, प्लूरल है ब्राइड एंड ग्रूम, किसके लिए यूज करें, हमारा सब्जेक्ट क्या है, किस वर्ब किसके साथ यूज हो रही है, द ब्राइड एंड ग्रूम, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ कम आएगा। द डॉक्टर सिंगुलर है तो कम्स आ जाएगा, सी ओ एम ई एस, कम्स एवरी नाइट टू सी माई ग्रैंड फादर हु इज अनवेल। सेवेंथ है द पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ द स्कूल, पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ द स्कूल, तो यहाँ कौन सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसमें से मीट्स और मीट दो वर्ब्स दी हुई है, टू में से कौन सा यूज होगा, मीट्स, सॉरी मीट, एम डबल ई टी मीट, एवरी मंथ। सेकेंड है द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीट्स एवरी ईयर, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो जो है मिलती है एवरी ईयर, यूएन के जितने भी सिक्योरिटी काउंसिलर्स जो हैं वो इकट्ठे मिलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एम इज वॉज हैज हैव आर और वर, ये जो है हमें इसमें फिल करने हैं, जैसे द टेलीफोन इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट, विच वन ऑफ यू, विच वन ऑफ यू, वन ऑफ यू, जैसे पीछे आपको मैंने बताया भी था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वन वन ऑफ ऐसे दिया हुआ हो, तो क्या जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे मीन्स कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो हम वॉज का यूज करेंगे। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी, क्या है सब्जेक्ट हमारा, प्लूरल है, तो क्या यूज होगा इसमें, आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी, आई डैश डिलाइटेड टू मीट रॉन यस्टरडे, तो यस्टरडे आया, जहां यस्टरडे आता है वहां पास्ट टेंस होता है, और पास्ट टेंस में वॉज और वर का यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस में वॉज और वर का यूज करते हैं, तो आई के साथ वॉज डिलाइटेड टू मीट रोहन यस्टरडे। फिफ्थ है द प्रिंसिपल डैश वॉचिंग अस फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो यहाँ जो है प्रिंसिपल इज वॉचिंग अस फ्रॉम अ डिस्टेंस भी राइट है, और वॉज भी यहाँ राइट है, द प्रिंसिपल वॉज वॉचिंग अस फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ ना तो यस्टरडे है, ना ही कोई पर्टिकुलर प्रेजेंट का कोई ऐसा वर्ड दिया हुआ है कि जिससे हम टेंस का गेस कर सकते हैं, तो बोथ आर राइट, इज भी राइट है, वॉज भी राइट है। आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम, आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, ग्रैंड मदर स्पेकल्स आर मिसिंग। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, और सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर में ही यूज होता है। मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आलोक एंड मार्क आर गुड हॉकी प्लेयर्स, माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स इज मिसिंग फ्रॉम माई कबर्ड, माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स तो यहाँ पे प्लूरल है, जैसे एस आया हुआ है, बट अ पेयर ऑफ, माई न्यू पेयर यानी एक जोड़े जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो इज मिसिंग फ्रॉम माई कबर्ड। नेक्स्ट है आपकी बुक एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा जो है राइट ऑप्शन है वो आपको टिक करना है, यही सेम जैसे कि आपने एच और आई एक्सरसाइज की है, उसी तरह से सेम आपको इसमें भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का चूज करना है और टिक करना है कि कौन सी वर्ब इसमें राइट है। सेकेंड जो है इसमें क्या दिया हुआ है, मिसिज प्रजापति आस्क्ड द क्लास टू राइट अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्रा इन देयर ओन वर्ड्स, विवेक यूज सम वर्ब्स इनकोरेक्टली, हेल्प
हिम एडिट हिज स्टोरी। तो उसने जो है जैसे कि विवेक ने स्टोरी राइट की हुई है, और किस स्टोरी में जैसे सब्जेक्ट के साथ उसने किस सब्जेक्ट सिंगुलर है और कहीं प्लूरल वर्ब का यूज किया हुआ है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी जैसे कि वर्ब रॉन्ग है इसमें। वैसे इसको हाईलाइट किया हुआ है कि कहाँ कहाँ वर्ब यूज हुई है, तो जो जो वर्ब यूज हुई है क्या वो राइट है या रॉन्ग है। पहले आप इसको जो है ट्राई करोगे करने का कि भी मान लो आप कर सकते हो नहीं, फाइंड आउट कर सकते हो भी क्या मिस्टेक है क्या नहीं, फिर उसके बाद हम इसको टैली करेंगे। जे एंड के एक्सरसाइज करनी है आपको, उसके बाद आई एक्सरसाइज भी करने की प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना आप। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, इसमें क्या करना है कि बॉक्स में से जो सेंटेंस में सूटेबल वर्ड आपको लगता है वो इसमें फिल करना है। इट्स वेरी इजी, यू कैन डू एंड यू कैन ट्राई इट। इफ यू डोंट डू इट वी विल मैच इट, ओके आई विल एक्सप्लेन इट। ओके बेटा, थैंक यू। कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइज। विच एक्सरसाइज? जे के एल यू विल डू। ओके ओके बेटा, थैंक यू।